हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ब्रैसिकेसी फैमिली या फिर क्रूसीफेरी नाम से भी इसको जानते हैं। इसका कॉमन नेम है मस्टर्ड फैमिली। हम जानेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटेट, वेजिटेटिव कैरेक्टर, सेक्सुअल कैरेक्टर, फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। आइए जानते हैं इसके सिस्टमेटिक पोजिशन के बारे में। प्लांटी सब किंगडम एंजियोस्पर्म, क्लास डाइकोटिलीडन होता है, सब क्लास पॉलीपेटली है, सीरीज थैल्मी फ्लोरी है, ऑर्डर पेराइटेल से, फैमिली जो है ब्रैसिकेसी है। ठीक है, आइए जानते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। वर्ल्ड वाइड 380 जेनरा एंड 3200 स्पीसीज जो है रिपोर्ट की गई है। ठीक है, यूएसए में 55 जेनरा पाया जाता है, जबकि भारत में जो है इंडिया में 51 जेनरा एंड 135 स्पीसीज आर रिपोर्टेड। ठीक है, आइए जानते हैं इसके हैबिटेट के बारे में। हैबिट क्या है इसके, मोस्टली हर्ब होते हैं, सम श्रब होते हैं, फ्यू सेमी ओडी होती हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, दे आर प्रेजेंट इन टेम्परेट एंड एल्पाइन रीजन, ठीक है, या फिर हिली रीजन। ठीक है, हम जानते हैं इसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में, एनुअल टू पेरिनियल होता है। ठीक है, इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर में हम देखेंगे कि इसका रूट जो होता है टैप रूट होता है, स्टेम जो होता है सिलेंड्रिकल, हर्बेसियस, होलो, सेमी ओडी टाइप का होता है एंड ग्रीन होता है। इनिशियली क्या होता है, ग्रीन होता है, बाद में जो होता है सूख जाता है, सूखकर वाइट हो जाता है। ठीक है, इसकी लीफ क्या होती है, अल्टरनेट सिंपल अप टू लोब्ड होती है, एक स्टिपुलेट होती है, यानी कि स्टिप्यूल जो है डंडी डंठल जो होती नहीं पाई जाती है। ठीक है, हम जानेंगे इसके डिस्ट्रीब्यूशन तो पहले बता चुके हैं, टेम्परेट या अल्पाइन रीजन में पाया जाता है। आइए देखते हैं इसके फ्लोरल कैरेक्टर के बारे में। सेक्सुअलिटी जो है इसमें बाइसेक्सुअल पाया जाता है, सिमेट्री एक्टिनोमार्फिक होती है, इनफ्लोरोसेंस रेसिमोस टाइप का होता है। ठीक है, अब फ्लावर क्या है, कंप्लीट फ्लावर होता है, हर्मोफ्रोडाइट यानी कि बाइसेक्सुअल होता है, एक्टिनोमार्फिक, रेयरली जो है जाइगोमार्फिक होते हैं, ये मोस्टली हाइपोगाइनस कंडीशन में पाए जाते हैं। ठीक है, हम देखते हैं इसके कैलिक्स के बारे में, 4 कैलिक्स पाया जाता है और सेपरेट होता है पॉलीसेप्लस कंडीशन में। ठीक है, इसमें जो है इम्ब्रिगेट स्टाइवेशन पाया जाता है और कोरोला जो होता है 4 पेटल होता है, क्रूशी फॉर्म में होता है, इसमें भी इम्ब्रिगेट स्टाइवेशन पाया जाता है। एंड्रोसियम जो है 6 होते हैं स्टैमेन, जो कि टेट्राडाइमस कंडीशन में, टेट्राडाइमस में 4 टाल एंड 2 सार टाइप होते हैं। ठीक है, गाइनेशियम क्या है, 2 यूनाइटेड कार्पल होता है, सुपीरियर ओवरी पाई जाती है, ओब्यूल है पेराइटल प्रेजेंटेशन, ओब्यूल क्या करता है पेराइटल प्रेजेंटेशन रखता है। ठीक है, फ्रूट क्या होते हैं इसके, ड्राई डेहिसेंट होते हैं, जिसको सिलिकुल, सिलिकुआ या फिर सिलिकुला टाइप का पाया जाता है। ठीक है, पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सन सेल्फ एंड इंसेक्ट टाइप पॉलिनेशन, वाटर, विंड, बर्ड एंड ह्यूमन द्वारा होता है। हम फ्लोरल फार्मूला ब्रैसिका का देखते हैं, ए ब्रैक्टिएट होता है, एक्टिनोमार्फिक होता है, मोनोसियस यानी कि हर्माफ्रोडाइट होता है, कैलिक्स 2+2 कंडीशन में, कोरोला क्रूशी फॉर्म में, एंड्रोसियम टेट्राडाइनमस कंडीशन में, गाइनेशियम जो है बाइकार्पेलरी हाइपोगाइनस। ठीक है, आइबेरिश हमारा में ई ब्रैक्टिएट होता है, जाइगोमार्फिक पाया जाता है, हर्माफ्रोडाइट होता है, कैलिक्स 2+2 कंडीशन में, कोरोला भी 2+2 कंडीशन में, एंड्रोसियम भी वही टेट्राडाइनमस कंडीशन, गाइनेशियम भी बाइकार्पेलरी हाइपोगाइनस कंडीशन। ठीक है, फ्लोरल फार्मूला आप क्रूसीफर्स, ये कैलिक्स जो है यहाँ पर इम्ब्रिगेट स्टाइवेशन में है, कोरोला भी इम्ब्रिगेट स्टाइवेशन पाया जाता है, स्टेमेन जो है टेट्राडाइनमस कंडीशन, 4 अंदर हैं, 2 बाहर हैं, और इसमें कार्पेल जो है बाइकार्पेलरी गाइनेशियम पाया जाता है और पेराइटल टाइप का प्रेजेंटेशन पाया जाता है, ये इसकी मदर एक्सेस है। ठीक है, आइए जानते हैं इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में। ये जो है वेजिटेबल क्रॉप आदि के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं, रेफेनस एटाइवस जिसको रेडिस बोलते हैं, ब्रैसिका रोपा जिसको सलजम बोलते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब एज ए सलाद या फिर एज ए वेजिटेबल के रूप में, कलीफ्लावर, टर्निप, रेफेनस, रेडिस आदि क्या है, ये क्रॉप के रूप में यूज किए जाते हैं। आर्नामेंटल के रूप में एरिशिमम जिसको वॉलफ्लावर बोलते हैं प्रयोग किया जाता है। वीडी एंड पेस्ट स्पीसीज जो है कैप्सेला बर्सा, पोस्टोरिश, ठीक है, आदि हैं। और ये यूज एज ऑयल यील्डिंग प्लांट जैसे कि ब्रैसिका स्पीसीज होती हैं, और कॉन्डीमेंट टाइप में भी यूज होता है, और यूज एज आर्नामेंटल प्लांट में। ठीक है, थैंक यू।